बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर एंड दिस इज़ नौखैज़ चौधरी, यू आर फैसिलिटेटर इन दिस सब्जेक्ट दैट इज़ इस्लामिक फाइनेंस। सो वी विल हैव अ लुक ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन इस्लामिक फाइनेंस एंड डेफिनेटली वी विल डिस्कस व्हाट आर द फीचर्स एंड व्हाट आर द बेसिक डिटेल्स of Islamic law of contracts and how these contracts can be exercised in your business, keeping in mind के आप जो भी business कर रहे हैं। So if we talk about the objective of the today's lecture, we can enlist these contents that I will try my level best to cover in this lecture. This video may have two or three parts. Definitely I will give you the complete length. So if I enlist these objectives, the first objective is to explain the general framework of the contracts according to the Islamic financial law, and to discuss the elements of the contracts here and what are the types of contracts that are available and can be exercised according to the Islamic Sharia law. Definitely to discuss the commutative and non-commutative contracts and the conditional or contingent contracts. So let's have a look on all of these contents one by one. You may find this video in parts, but don't skip the sequence of discussion, please. So अगर मैं आपसे सादी सी बात करूं तो मेरे भाई, जो इस्लाम है बुनियादी तौर पर, जिस तरह इंसान की ज़िंदगी और उसकी तौकीर और उसके एहतराम को एक इज़्ज़त की नज़र से देखता है, वहाँ पर लोगों की प्रॉपर्टी को भी इज़्ज़त की निगाह से ही देखता है और तहफ़्फ़ुज़ की निगाह से देखता है। सो हम सादी सी ज़बान में ये कह सकते हैं कि इस्लामिक फाइनेंस जो है वो इस बात की श्योरिटी देता है कि जो भी लोगों की प्रॉपर्टी है, दैट शुड नॉट बी यू नो टेकन बाय चीटिंग। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप अनलॉफुली इन बाय यूजिंग सम नेगेटिव मीन्स, बाय सम चीटिंग वेज, बाय सम थेफ्टिंग वेज, बाय गिविंग सम ब्राइबरी, तो आप इस तरह की एक्सरसाइज करते हुए लोगों की प्रॉपर्टीज़ या उनसे किए हुए जो वादे हैं या जो उनके साथ किए हुए मुआहदे हैं उनको मिस यूज़ करें, तो इस्लामिक फाइनेंस बेसिकली इसकी पर इजाज़त नहीं देता। सो वी कैन सिंपली से दैट इस्लाम कंसिडर द प्रॉपर्टी ऑफ पीपल एज सेक्रेड एंड इनवायलेबल, and Islamic finance forbids the unlawful devouring of others' property. So if we talk about the business, so there are number of things, there are number of types of transactions, as well as if few people are in contact and they are having some business contract, or you may say that you have some contract with the financial bank or with some Islamic financial bank. तो अगर मैं बात करूँ, definitely you have some business deals, you make some promise, you make some contracts with your sellers, with your buyers, with your customers and even with your competitors. So similarly, if we talk about purely the monetary institutions, that means Islamic banks, तो वहाँ पर इस्लामिक बैंक्स भी जो भी बिज़नेस ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम उसको नेम करें तो कह सकते हैं दे आर सेलिंग समथिंग, दे आर पुटिंग समथिंग ऑन लीज, दे आर मेकिंग सम पार्टनरशिप, दे आर वर्किंग एज एन एजेंसी बिटवीन टू एंटिटीज़, और दे आर सम साइनिंग ऑफ डेट्स एंड मॉर्गेजेस। सो अगेन दीज आर सम सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सम सॉर्ट ऑफ प्रेमिसेस दीज थिंग्स में होल्ड। सो उसका क्या खदो खाल होना चाहिए, उसकी क्या टाइप्स हो सकती हैं जो कि इस्लामिक शरिया लॉ के अकॉर्डिंगली हैं, उसमें
किन चीज़ों की ममानियत है। जहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि रिबा की ममानियत है, गरर की ममानियत है, किमर की ममानियत है, तो ये तो हो गई ना बेसिक जो मेन प्रोहिबिशंस हैं। इसके साथ साथ इस्लाम, इस्लामिक फाइनेंस जो है वो अलाउ नहीं करता कि आप लोगों की प्रॉपर्टी या उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को मिसयूज़ करें बाय थेफ्टिंग, बाय एम्बेजलमेंट और बाय ब्राइबरी और बाय सम अदर वेज ऑफ चीटिंग। सो दिस इज़ नेसेसरी एज अ स्टूडेंट ऑफ द इस्लामिक फाइनेंस कि हम समझें कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस में, उस किन शराइत पर मुश्तमिल हो सकता है, कौन सी चीज़ें उस कॉन्ट्रैक्ट में वाजे करना, बयान करना तमाम पार्टीज़ के लिए ज़रूरी है जो कि उसको इस्लामिक शरिया लॉ के अकॉर्डिंगली जो है वो परमिट करेगा। सो इस चीज़ के ऊपर देखते हैं जी वन बाय वन। और सबसे पहले हम लोग जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो माल है और कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ जिसे हम कह सकते हैं, और वो जो ऑनरशिप है, इससे क्या मुराद है, इसके ऊपर बात करते हैं। ओके जी, सो लेट्स डिफाइन व्हाट इज वेल्थ। वेल्थ इज एनी थिंग दैट इज़ यूजेबल एंड हैज़ लीगल एंड मेटीरियल वैल्यू फॉर द पीपल, राइट? एंड इट मीन्स दैट एनी थिंग विल बी कंसिडर्ड एज माल फ्रॉम अ ज्यूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, दैट शुड बी होल्ड सम वैल्यू एंड दैट शुड बी पोजेसेबल। आई मीन आप उसका पोजेशन होल्ड कर सकते हैं, वो कोई वैल्यू क्रिएट कर रही है, उसे हम लोग वेल्थ कंसिडर करेंगे। इट शुड हैव अ लेजिटिमेट यूज़, उसका जो भी इस्तेमाल है वो लॉफुल है, अनलॉफुल नहीं है। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स एब्स्ट्रैक्ट्स एंड इनटेंजिबल राइट्स, जैसे कि हमारे पास ट्रेडमार्क्स हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, दीज आर ऑल विल बी कंसिडर्ड एज वेल्थ इन द इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। वी टॉक अबाउट कि हम माल किसे कहेंगे। जैसे मैंने अभी पीछे एक वेल्थ टर्म क्लियर की है, इस तरह एक दूसरी टर्म है प्रॉपर्टी, या जिसे हम लोग अरबी में माल का लफ्ज़ बोलते हैं, तो इससे क्या मुराद है, राइट? माल और प्रॉपर्टी इन इस्लामिक कमर्शियल लॉ इज़ डिवाइडेड और कैन बी डिवाइडेड इन टू मल्टीपल कैटेगरीज। यू मे से दैट मूवेबल और इमूवेबल, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा सकती है, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो मुंतकिल नहीं की जा सकती, फंजाइबल एंड नॉन फंजाइबल, एंड डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट से जिसको हम लोग अरबी में एन और देन बोलते हैं, इससे क्या मुराद है। अगर मैं ये सेकेंड लाइन आपके सामने पढ़ूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एन इज़ अ स्पेसिफिक और डिटर्मिनेट टाइप ऑफ माल। आई मीन अगर मैं स्पेसिफाई कर दूँ ना कि ये फलां जो पीस पड़ा होगा, तो उसको फिर मैं कह दूंगा जनाब ये इसका अगर तबादला होगा, या ये जो ख़ास तौर पर जो ये स्पेसिफिक यूनिट है, या ये जो स्पेसिफिक बिल्डिंग है, तो उस सूरत में जो प्रॉपर्टी की जो टाइप है वो एन कहलाएगी। और अगर मैं कह दूं कि जनाब इस जैसा कोई भी, जैसे अगर मैं आपके सामने गोल्ड के कॉइन्स रख दूँ तो सारे सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, तो मैंने आपके साथ गोल्ड का कॉइन आपको बेचने का सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, या सोना बेचने का किया हुआ है, तो 10 ग्राम के अगर सारे सिक्के सामने पड़े हुए हैं तो सारे अपनी हैसियत में एक जैसे हैं, ठीक है? तो डिटरमिन नहीं है कि ये वाला सिक्का, राइट? सो इन कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन अ पर्सन इज टू गेट अ सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी फ्रॉम अदर, दिस इज डिटर्मिनेट और एन, राइट? व्हेन अ नॉन स्पेसिफिक यूनिट ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज टू बी टेकन, इट इज रिगार्डेड एज देन। तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जनाब आपको मैं इसके बदले 10 केजी की, 10 केजी की गंदम की बोरी दूंगा, तो वो गंदम कोई भी हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर यही बोरी है, ठीक है? हेयर इट इज एग्जाम्पल कोटेड, हेंस गोल्ड सिल्वर करेंसी ग्रेन ऑयल एंड इन द लाइक आर काइंड ऑफ इनडिटर्मिनेट और
than property. While giving counter delivery in exchange contracts, one can give any unit of these items. ठीक है, तो वही जो बात मैं आप लोगों से पहले कर रहा था. So in respect to the further explanation of property, there is a kind of ownership, and accordingly we can you know divide the ownership into multiple categories based on assets or acquired contracts. This could be a succession. I mean aapko किसी सरपरस्ती की सूरत में मिला, और एडिशन टू द एग्जिस्टिंग नीड एसेट ऑफ ओन्ड एसेट्स ऑफ समवन. सो हम कह सकते हैं कि जी ऑनरशिप है वो तीन तरह की हो सकती है. ऑनरशिप ऑफ एसेट जिसको हम लोग मिल्कुल एन बोलेंगे, ऑनरशिप ऑफ डेट जिसको हम लोग मिल्कुल देन बोलेंगे, और ऑनरशिप ऑफ यूज फ्रक्ट मिल्कुल मनफात बोलेंगे. राइट, अब इससे एग्जैक्टली क्या मुराद है? सपोज करें कि आप पे करते हैं और आप उसके बदले एक व्हीकल परचेज कर लेते हैं, यू बिकम द ओनर ऑफ दैट एसेट. राइट, तो इसके साथ ही साथ मिल्कुल देन अटैच हो गया उस एस जिस आपने जिससे वो एसेट ख़रीदा है, और आपने अगर उसकी पेमेंट 15 दिन बाद करनी है तो वो जो वाजिबुल अदा रकम है उसका ऑनर कौन हो गया जिसने वो आपको गाड़ी बेची है. राइट, तो इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि अब इस रकम में उतार या चढ़ाव अगर होगा तो वो अगेन रिबा की कैटेगरी में आ जाएगा बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम. तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑनरशिप ऑफ एसेट में जो टाइम है वो मैटर नहीं करता. राइट, सो दिस इज़ अबव, दिस इज़ एन ऑनरशिप अबव द टाइम लिमिट. गेट इट? So simple I can say that milkul and is a definite and not related to time. Right. But on the other hand अगर हम लोग बात करें ownership of use fract की, तो इससे मुराद ये है कि मैं अपना एक asset आपको आपकी possession में दे रहा हूँ, लेकिन उसका मैंने एक दौरानिया मुख्तस कर लिया. मिसाल के तौर पर मैं आपको अपनी गाड़ी किराए पर दे रहा हूँ, रेंट कर दे रहा हूँ. अब 6 महीने के लिए जो मैंने आपको गाड़ी रेंटल कर दी है, तो उस 6 महीने के दौरान पोजेशन उसका आप होल्ड करेंगे. ठीक है, लेकिन 6 महीने के बाद वो गाड़ी आप मुझे वापस कर देंगे, और आपकी ओनरशिप या जो पोजेशन है वो एक्चुअली ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, सो इसको हम लोग क्या कह देंगे, ओनरशिप ऑफ यूज फ्रक्ट, यानी कि एक ख़ास मुन मुद्दत तक एक एसेट किसी दूसरे के पोजेशन में चला गया. तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने का मकसद ये है कि जब हम लोग आगे जाके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बात करेंगे तो वहाँ पर प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी क्लैश का शिकार ना हो. राइट, तो इसलिए ये टर्म्स यहाँ पर क्लियर करना ज़रूरी है. ओके, In the continuation of these contents, it is important to explain that Islamic law relating to the business generally deals with two things. Number one is, you know, that is wada, or you can say ahd, and number two is aqd. इसे हम लोग वादा को promise कह सकते हैं. Sometime ये unilateral होता है, sometime ये bilateral होता है. I mean, मैं खुद से आपके साथ एक वादा कर रहा हूँ अपनी side से, आपकी तरफ से इसके बदले में कोई वादा नहीं है, तो ये यूनिलेटरल प्रॉमिस हो गया. अगर हम दोनों किसी बात का वादा करते हैं तो ये बाइलेटरल प्रॉमिस हो गया. और अकद क्या है कि हम कोई बात तय कर लेते हैं, कुछ लेन देन का तायुन कर लेते हैं, उसको लिखत में ले आते हैं और किसी चीज़ का तबादला कर लेते हैं, तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है. और कॉन्ट्रैक्ट एक से ज़्यादा पार्टीज़ के दरमियान होता है. अच्छा, करंटली जितने भी इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ज़्यादातर इन्हीं दो चीज़ों में डील कर रहे हैं. इधर दे आर मेकिंग सम प्रोमिसेस और प्रोवाइडिंग सम कॉन्ट्रैक्ट्स. तो मेनली हम लोग उनको एनलिस्ट कर सकते हैं विद द नेम ऑफ मुराबाहा, इजारा मुंतहिया बि तमलीक है, सेल एंड लीज बैक है, डिमिनिशिंग मुशारका है, एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स
परचेज थ्रू सालम है। इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग अपने जो मिड के बाद का कोर्स है वन बाय वन इनके ऊपर डिटेल से डिस्कस भी करेंगे एग्जैक्टली ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं और इस तरह के प्रॉमिसेस या कॉन्ट्रैक्ट्स की सूरत में जो इंस्टीट्यूशन है और जो इंडिविजुअल्स हैं या जो कॉरपोरेशंस हैं वो किन कवानीन की और किन इस्लामिक लॉज की पाबंद हैं और किस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो इस्लामिक शरिया लॉ के अकॉर्डिंगली हैं। तो बहरहाल उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। यहाँ सिर्फ इन सब बातों का मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा इन टर्म्स के साथ फैमिलियर करवा दिया जाए और बताया जाए कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसकी जो बेसिक आइडिया क्या है। राइट।